नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे आज मैं नरेशन का सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें वैसे क्वेश्चन को लिया हूँ कि जिस तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है, तो इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, ठीक है, किसी भी स्टेट का 10th 11th 12th कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, या किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, SSC CGL, ठीक है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसमें हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन देखेंगे ये भी जान लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का देखेंगे, एक्सक्लामेटरी, मॉडल वर्ब, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड और मिसलिनियस क्वेश्चन भी देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको बोलना चाहते हैं कि अगर ये कल का वीडियो आप नहीं देखे हैं, ठीक है, तो ये आप पहले देख लें। इसका लिंक मैं सजेशन में यहाँ पर भी दे रहा हूँ, ठीक है, सजेशन में यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर सजेशन में मिल जाएगा और या तो डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये वीडियो पहले आप ज़रूर से देख लें, तभी इस वीडियो पे, आज के वीडियो पे आएँ। तो आइए आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इम्परेटिव सेंटेंस से लिए हैं, थोड़ा बहुत समझाते हुए भी चलेंगे, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस से लिए हैं, तो इम्परेटिव सेंटेंस में याद रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके बदले हम लोग टू लिख लेते हैं, ठीक है, और जो भी प्लीज़, सॉरी ये सब लिखा रहता है ना, उसे हम लोग हटा देते हैं। कब? इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हम लोग हटा देते हैं। अब जब सेंटेंस का जो मीनिंग होगा, उसका जो सेंटेंस का मूड होगा, उसके अनुसार हम लोग ऑर्डर देंगे। जैसे एक मालिक अपने स्टाफ को क्या देगा? ऑर्डर देगा। प्लीज लगा हुआ है तो रिक्वेस्ट लगाएंगे, ठीक है, कोई बहस की बात हो रही है तो अर्ज लगाएंगे, कोई सलाह देने की बात हो रही है, ठीक है, जैसे आपको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए तो ये क्या है, एक तरह का एडवाइस है, तो हम लोग एडवाइस यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी। और फॉरबिड, जब किसी काम को मना करने के लिए बोला गया हो यानी डोंट लगा हो, तो डोंट को हटाकर हम लोग फॉरबिड लगाएंगे, ठीक है, और वेग्ड उस अनुसार से हम लोग लगाएंगे, जब कोई आपसे प्रार्थना एकदम गिड़गिड़ा कर करे, तो जैसे कोई बोले मेरी जान बच दो, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, आपसे भीख मांग रहा है अपने जानों की, तो वहाँ पर हम लोग वेग्ड लगाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैंने सभी में, ठीक है, ईडी लगा कर लिखा है, यानी कि मैंने भीतरी रूप लिखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तभी हम ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है, सेड रहेगा तो ही ऑर्डर लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे, अर्ज लिखेंगे, लेकिन जब प्रेजेंट या फ्यूचर होगा से, सेज, बिल से, तो हम लोग ईडी जो लगा रहे हैं वो ईडी यहाँ पे नहीं लगेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए हैं वो पास्ट इंडेफिनिट को लेकर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, ही सेड प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो ही सेड है तो ही लगा, उसने क्या कहा, मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो रिक्वेस्टेड लगा दिए, ठीक है, रिक्वेस्टेड। अब ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम क्या बोले यहाँ पे आपको, कि डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग टू लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे टू लगा दिए। अब है ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ब्रिंग का ब्रिंग हुआ और मी क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, ये भी बताए हुए हैं, सन 123, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो मी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही है, तो ही के लिए मी की जगह पे क्या आएगा, हिम आएगा, ठीक है, ए ग्लास ऑफ वाटर सेम रह जाएगा। कुछ लोग के दिमाग में जा रहा हो कि सर इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो देखो इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे आपको डायरेक्ट बोला जाता है कि खिड़की बंद करो, ये नहीं बोला जाता है कि तुम खिड़की बंद करो, तो जो खिड़की बंद करो, क्लोज द विंडो, ओपन द डोर, ये सारे सेंटेंस जो हैं वो क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑफिसर सेड फॉल बैक, अब ऑफिसर क्या है, ऑर्डर देगा ना, तो यहाँ पर इसीलिए द ऑफिसर सेड की जगह ऑर्डर आ गया,
इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिखें, टू, और फॉलबैक ही रहेगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे वर्ब आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों फॉलबैक ही रहेगा, क्योंकि वर्ब में चेंज इम्परेटिव सेंटेंस में हमें नहीं करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, मदर सेड लिसन टू योर एल्डर्स, माँ कहती है अपने बड़े की बात सुनो। तो ये क्या कर रही है, माँ सलाह दे रही है ना, आपको सेंटेंस का ना मूड समझना है कि सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है, उसी अनुसार से ही आपको एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट ये सब आपको लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मदर का मदर सेठ को क्या लिखे, एडवाइज्ड। अब देखो एडवाइस किसे दिया जा रहा है, यहाँ पे एक चीज़ छुपा हुआ है, आप चाहे तो मी नहीं भी लगा सकते हैं और मी लगाए भी सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे योर है और योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट चाहिए ना योर को, इसलिए यहाँ पे हम मी लगा दिए, ठीक है, योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मी तो हुआ ही, और लिसन टू का ध्यान से देखिए, फिर से आपको समझा देते हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं आप लोग, मदर एडवाइस लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे मी नहीं था तो फिर भी हम मी लगाएं, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू लगा दिए, जैसे लिखा हुआ है लिसन टू तो लिसन टू लिख दिए, योर एल्डर्स, अब देखिए योर एल्डर्स है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, अब समझ में आया होगा कि मी यहाँ पे हम क्यों लिखे, तो यहाँ पे मी है तो मी के लिए क्या हो गया, माई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राहुल से डोंट गो नियर द हाउस, राहुल ने कहा घर के नज़दीक मत जाओ। अब देखो राहुल ने कहा, डोंट लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या कर रहा है राहुल, मना कर रहा है, तो जब भी डोंट लगा रहेगा तो हम लोग क्या लगाते हैं, डोंट हटा देते हैं और फॉरवर्ड लगा देते हैं, ठीक है, और फॉरवर्ड के साथ वी फोर लगता है मैक्सिमम टाइम, तो हम वी फोर ही लगाएंगे, तो राहुल से, तो राहुल फॉरवर्ड हो गया, गो का क्या हो गया, गोइंग, डोंट के लिए फॉरवर्ड आ गया और गो के लिए गोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा, सर इसके बदले टू नहीं लगाएं, ठीक है, फॉरवर्ड टू लगता है, ठीक है, कब, जब वी वन होता है तब ना, लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड के साथ हम लोग वी फोर लगाते हैं, इसीलिए टू नहीं लगा रहे, समझ गए, कभी भी वी फोर के पहले टू नहीं लगता है, टू के बाद ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये आपको पता होना चाहिए ग्रामर में कि कहीं भी टू के बाद वी फोर आपको नहीं हो सकता, ठीक है ना, इसलिए टू के बाद वी वन और वी फोर जब आता है तो हम लोग टू नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो राहुल फॉरवर्ड गोइंग नियर द हाउस, यहाँ तक आप लोग समझ गए, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लेते हैं, अब है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसका हिंदी बोले तो इसका मतलब होता है विस्मय यादि बोधक वाक्य, ठीक है, जिसे सुनकर यानी वैसा सेंटेंस जिससे पता चले कि कोई आश्चर्यजनित वाक्य हो गया, ठीक है, जैसे खुशी मनाना, दुख में रोना, ठीक है, जैसे किसी को देखते हैं वाव व्हाट ए हैंडसम गाय, यानी कि ये क्या हो रहा है, हम शॉक्ड आश्चर्य से बोल रहे हैं कितना सुंदर लड़का है, ठीक है। हुर्रा का मतलब होता है खुशी मनाना, जीतते हैं तो हुर्रा हुर्रा करते हैं। अलास का मतलब होता है दुख प्रकट करना, ठीक है, जब अलास लगा हुआ है किसी सेंटेंस में तो आप समझिए कि ये दुख प्रकट कर रहा है, तो हुर्रा लगा हुआ है खुशी के लिए चेंज करेंगे एक्सक्लेम विथ जॉय, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट होगा तो एक्सक्लेम कर देंगे यहाँ, ठीक है ना। उसी तरीके से वाओ के लिए भी एक्सक्लेम विथ जॉय होगा या सरप्राइज्ड होगा, ठीक है, वाओ मतलब क्या होता है, सरप्राइज्ड। अलास एक्सक्लेम विथ सॉरो या एक्सक्लेम विथ ग्रीफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट होगा, सेड रहा होगा तो हम लोग एम ई डी लगा देंगे, एक्सक्लेम विथ सॉरो लिखेंगे, एक्सक्लेम विथ ग्रीफ लिखेंगे, समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में कैसे कैसे क्या चेंज होता है पहले वाली वीडियो में मैं बताया हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं शुरुआत में ही बोला हूँ, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लें, यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ही सेड हुर्रा इंडिया वॉन द मैच,
इसका मतलब क्या हुआ, शेड लगा हुआ है तो एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्यों र, ये लोग अब र है तो उसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, डबल इनवर्टेड कॉमा के बदले डैट आएगा इसमें, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस में डैट की जगह टू लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस में डैट की जगह टू लगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाते हैं, एक्सक्लामेटरी में डैट ही लगाते हैं, अफर्मेटिव में या निगेटिव में हम लोग डैट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव होता है उसमें इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर का यूज करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड होता है उसमें इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ नहीं लगाते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। फिर से मैं याद दिला दिया, अब यहाँ पे डैट हो गया, होरा को हम लोग हटा देंगे, इंडिया की जगह इंडिया हो गया, क्योंकि इंडिया थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। अब देखो ये बॉर्न है, बॉर्न का मतलब वी टू, तो कल के वीडियो में बताए हैं कि वी टू के बदले क्या लगता है, हेड प्लस वी थ्री लगता है, जब वी टू हो तो हम लोग लगाते हैं हेड प्लस वी थ्री, ये कल के वीडियो में बताए हुए हैं। तो क्या हो गया, इंडिया हैड वॉन द मैच, ठीक है, इंडिया हैड वॉन द मैच। नेक्स्ट है आई सेड अलास ही डेड, मैंने कहा अब वो मर गया, ठीक है, बिल्कुल दुखी पूर्वक। तो आई एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, डैट डैट अलास हट जाएगा, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, ही की जगह है, डेड वी टू है तो डेड के लिए क्या आएगा, हैड डेड, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब से पहले थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, फिर से आप लोग को याद दिला देते हैं कि मॉडल वर्ब में सेल के बदले सुड होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सेल के बदले सुड होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना कि ही लिखा हुआ है और डायरेक्ट में सेल है और इनडायरेक्ट बनाते समय ही दिख रहा है तो बोलते अरे ही है तो विल होगा, वुड लगा देते हैं, लेकिन वुड लगाना गलत हो जाएगा। अगर डायरेक्ट में सेल है तो आपको सुड ही लगाना है, वो दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, टेंस वाला सिंपल फ्यूचर का दिमाग नहीं लगाना है कि ही के साथ विल, आई के साथ सेल, बी के साथ सेल, ये दिमाग नहीं लगाना है, मॉडल वर्ब है ये, ठीक है। सेल की जगह सुड ही लगाएंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, कैन की जगह कुड, विल होगा तो सुड नहीं करेंगे, वुड ही करेंगे, और मे का माइट, ठीक है। और लेकिन अगर डायरेक्ट में कुड हो, सुड हो, वुड, नीड, मस्ट, माइट, यूज टू, ये सब रहे तो इन सब के बदले चेंज नहीं होता है, कुड का कुड ही रहेगा, सुड का सुड रहेगा, वुड का वुड, नीड, मस्ट, मे, माइट, सॉरी, यूज टू, ये सभी चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे। अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं, एग्जांपल्स। तो यहाँ देखिए क्वेश्चंस है, सी सेड सेल आई बाई द कार, वह कहती कही थी कि क्या कार खरीद लें, तो क्या होगा, पूछ रही है ना, सी आस्क्ड, क्यों, क्वेश्चन मार्क है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग आस्क लगाएंगे, सी आस्क्ड, ठीक है। अब यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर लगेगा तो हम लोग इफ लगा दिए। आपको बताए थे कि जब भी इंट्रोगेटिव आता है तो इंट्रोगेटिव में जो ये चीज़ रहता है इसको एसर्टिव में बना देते हैं और मान लेते हैं कि ये आई सेल लिखा हुआ है, आई सेल बाय द कार, तो सबसे पहले आई को लेके चलेंगे, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, कैसे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई ही बदलाव नहीं, तो फर्स्ट पर्सन आई है, आई सब्जेक्ट के अनुसार, सी का सी हो गया। अब यहाँ देखो सेल है, सेल के लिए बदले क्या बताएं, सुड, ठीक है, बाई का बाई द कार, क्लियर। नेक्स्ट है आई सेल प्रैक्टिस मोर सेठ सोनम, सेठ सोनम, तो सेठ सोनम पीछे लिखा हुआ था, हम लोग आगे लिख लेंगे, तो सोनम सेठ, सेठ क्यों लगा, टोल्ड क्यों नहीं लगा, क्योंकि सेठ के बाद टू और ऑब्जेक्ट मिसिंग है, कल बताए थे कि सेठ के बाद टू होता है तभी हम टोल्ड लिखते हैं, यानी सेठ टू ऑब्जेक्ट होगा तो टोल्ड लिखेंगे, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट देना जरूरी हो जाता है।
तो सोनम सेड लिख दिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट लगाएं, क्यों? क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। तो अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सोनम लड़की है तो सी आएगा, सैल के लिए सुड आएगा, प्रैक्टिस मोर है तो प्रैक्टिस मोर ही हो जाएगा, ठीक है। सोनम से डैट सी सुड प्रैक्टिस मोर, यहाँ पे वुड नहीं लगाएंगे सी के साथ तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शिवा सेड आई मे नॉट कॉल यू, तो शिवा सेड हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, शिवा लड़का है ही हो गया, मे के बदले क्या होता है माइट, नॉट कॉल यू की जगह नॉट कॉल यू ही हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई सेड आई यूज टू लव डांसिंग, मैंने कहा कि मैं एक समय डांस पसंद किया करता था, मतलब डांस में मुझे बहुत पसंद था, प्यार था मुझे। तो आई सेड की जगह आई सेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट लगा दिए क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। आई फर्स्ट पर्सन है तो आई के लिए सब्जेक्ट के अनुसार आई ही होगा, तो ये सेम हो जाएगा, यूज टू के बदले यूज टू ही होता है, यानी सेम हो जाएगा, सिर्फ डैट लगेगा। नेक्स्ट है डेविड सेड यू नीड नॉट रिपेयर द कार, तो नीड नॉट में भी हम लोग नीड नॉट को नीड नॉट ही रहने देते हैं, ठीक है। तो डेविड सेड डैट, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि मी है, तो मी क्या है, मी के लिए क्या आएगा आई, क्योंकि डेविड मुझे से कहेगा ना, डेविड सेड टू मी यू नीड नॉट रिपेयर द कार, यहाँ पे मी यहाँ पे क्या है, छुपा हुआ है, इसीलिए मी की जगह आई, और नीड नॉट रिपेयर द कार, ठीक है। अब कुछ मिसलेनियस ले लेते हैं, ठीक है। कल को जो क्वेश्चन कराए थे उससे कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो, तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, सेड टू के बदले क्या आएगा आस्क्ड, मी का मी। अब बताए थे कि डब्ल्यू एच वर्ड में इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ नहीं लगाते हैं, तो वाट को वाट लिखें, इसे हटा दिए, ठीक है। अब आर यू जो है, आर को मानते हैं कि यू के बाद लिखा हुआ है, यू आर डूइंग, तो यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी है तो मी के लिए आई आया, ठीक है। और आई के टेंस चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना, तो टेंस चेंज होगा, इज एम आर किस में चेंज हो जाता है, वॉज में, तो वॉट आई वॉज डूइंग। नेक्स्ट ही सेड वट विल बी द चार्ज, कितना चार्ज लगेगा, तो ही इंक्वायरी कर रहा है ना, पूछ रहा है, तो आप लोग सेड आस्ट भी लिख सकते हो, इंक्वायर्ड भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ही आस्ट या ही इंक्वायर्ड, वट का वट, विल बी क्या है, ये द चार्ज के पीछे हो जाता है ना, इसलिए द चार्ज पहले लिखेंगे, द चार्ज, और विल बी की जगह क्या हो गया वुड बी, ही इंक्वायर्ड वट द चार्ज वुड बी। नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू हर वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, मैंने उससे पूछा कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, यानी पूछ रहे हैं तो आस्ट लगाएंगे, आई आस्ट हर, डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा क्योंकि डब्ल्यू एच है, वेयर का वेयर, और इज कहाँ होता है, पोस्ट ऑफिस के पीछे मान लेते हैं, द पोस्ट ऑफिस को द पोस्ट ऑफिस, और इज किस में चेंज हो जाएगा, वॉच में, ये सब बता चुके हैं कि इज एम आर वॉच में है ना, ये सब बता चुके हैं, वॉच वर हेडबैंड में, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, कल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। द लवर सेड वी विल मीट हियर टुमारो, ठीक है, द लवर सेड, तो दो तरीके से इसे बना सकते हैं, अगर लवर खुद को बात किए होंगे तो द लवर प्रोमिस्ड, क्योंकि हिंदी क्या हो रहा है कि दो प्रेमी ने कहा कल हम लोग यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, प्रॉमिस कर रहा है ना, द लवर्स प्रॉमिस टू मीट हेयर का देयर टुमारो का नेक्स्ट डे, आप बोलोगे सर बी कहाँ गया, ठीक है, तो आप ऐसे ही बना सकते हो, और नीचे मैं बी वाले से बना रहा हूँ, उस तरह से बना सकते हैं, द लवर सेड लिख दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट लगा दिया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन बी क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, द लवर्स, एक से ज़्यादा है तो हम लोग दे लगाएंगे, दे, ठीक है, क्योंकि बी की जगह दे आएगा, विल की जगह क्या लिखेंगे, वुड, और मीट हेयर का देयर द नेक्स्ट डे, तो दोनों तरीक़े से आप बना सकते हैं, दोनों सही है।
तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नरेशन का 2 वीडियो मैं दे दिया हूँ, इससे बाहर एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, आने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, आता ही नहीं है, क्वेश्चन है ही नहीं इसके बाद, तो आएगा कहाँ से, है ना, ये भी बात है। तो क्या है, ऐसे ही वीडियो अगर चाहते हैं तो आप चैनल पर बने रहें, इससे मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस कंटिन्यू हो रही है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।